Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. मैं आपको बता रहा था कि यस कि 1985 नवंबर 20th 1985 को माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज का पहला वर्जन लॉन्च किया. दिस वाज द फर्स्ट. लेकिन इससे पहले भी माइक्रोसॉफ्ट जो है वो बनाता था ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट एमएस डॉस नाम से उसको लाते थे. वो एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड था, लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड पहला माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. ठीक है. एंड इसमें पहला वर्जन था, इट वाज माइक्रोसॉफ्ट 1.0, फिर उसके बाद 2.0, फिर उसके बाद 2.1, 3.2 करके ऐसे आने लगे. ठीक है. अब हम आते हैं कि आखिर कौन कौन से मेजर जो माइक्रोसॉफ्ट ने वर्जन लॉन्च किए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के, वो कौन कौन से थे. तो दिस एमएस स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट. आप देखते होंगे एमएस ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. ठीक है. अब देयर वेर मेनी वर्जन लाइक 1.0, 2.0, 3 इस तरह के बहुत सारे वर्जन आए थे, क्योंकि 1985 से लेकर 1995 तक बहुत सारे वर्जन लॉन्च किए थे. बट जो मेजर है उनमें वी स्टार्ट विद माइक्रोसॉफ्ट 95. विंडोज 95 पहला मेजर वर्जन था जिसको हमें पढ़ना है. अब इसके बारे में आई वुड से कि आजकल तो नहीं पूछे जाते क्वेश्चंस के विंडोज 95 के बारे में या एमई के बारे में या माइक्रोसॉफ्ट 2000 के बारे में, ये नहीं पूछेंगे. बट देयर इज अ चांस मे बी पूछ सकते हैं इसको. अगर आप उतने डेप्थ में नहीं पढ़ोगे इसको आप लाइटली ले सकते हो, क्योंकि इसमें उतना नहीं पूछा जाता. अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था इसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95. ये 1995 में लॉन्च किया गया. एंड इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टार्ट बटन, टास्क बार, विंडोज एक्सप्लोरर और स्टार्ट मेन्यू जो है ये 95 में इंट्रोड्यूस किए गए. अब ये क्या होते हैं, स्टार्ट बटन, टास्क बार क्या होता है, विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है एंड स्टार्ट मेन्यू क्या होता है. नाउ स्टार्ट बटन इज राइट हियर. ये आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे जो विंडोज का आइकन है ना, इस अगर मैं इस पे होवर कर रहा हूँ ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्टार्ट आ रहा है. तो इसको कहते हैं स्टार्ट बटन. इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ ना तो मुझे आता है कि ऑल एप्स, कौन कौन सी जितनी भी सॉफ्टवेयर है ना मेरे इसमें, वो सारे यहाँ दिख जाएंगे. या यहाँ पे और भी ऑप्शंस आते हैं लाइक यहाँ पे विजेट्स आते हैं. अब तो ये मेरे जो मेरा जो ये सिस्टम है इसमें विंडोज 11 है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये बीच में आता है, ये अदरवाइज ये इधर लेफ्ट में होता था. ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं होना. ये जो आप नीचे देख पा रहे होंगे जहाँ पे आइकन्स है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, एडोबे रीडर का, यहाँ पे क्रोम का, विंडोज का, ये जो सारी एप्स के यहाँ पे आइकन्स आपको दिख रहे हैं इसको कहते हैं टास्क बार. ठीक है. तो चाहे टास्क बार हो या फिर स्टार्ट बटन हो या फिर विंडोज एक्सप्लोरर हो, विंडोज एक्सप्लोरर आपका फाइल मैनेजर हुआ, आपका फाइल मैनेजर. जैसे आप देखते थे कि आपके फोन में फाइल मैनेजर नहीं होता है ना, होता है ना, तो वही फाइल मैनेजर विंडोज में होता है, उसको कहते हैं विंडोज एक्सप्लोरर. ठीक है, उसको कहते हैं एक्सप्लोरर. अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे मैं जो यहाँ ये फाइल देख पा रहा हूँ ना फोल्डर्स में जा जाके, तो ये जो है ये पॉसिबल है किससे, एक्सप्लोरर से. तो एक्सप्लोरर मतलब एक तरह से आपका फाइल एक्सप्लोरर आपके विंडोज के लिए, उसको कहते हैं विंडोज एक्सप्लोरर. तो विंडोज एक्सप्लोरर, टास्क बार, स्टार्ट बटन या स्टार्ट मेन्यू, ये सारी चीजें जो है ये सारी चीजें किस पे आई थी पहली बार 95 में. ठीक है, ये चीजें आप याद रखोगे. अब ये क्या है था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम था, ऑब्वियसली ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था और ये 1995 में लॉन्च किया गया था. अब इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे वो ये है कि दिस वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन 9x फैमिली. अब 9x फैमिली क्या है, 9x फैमिली इज बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो 95 के बाद आए. ये दो तीन थे लाइक 95 में, आगे बताऊंगा कौन कौन सा था. 95 से लेके 2000 तक, यानी पांच साल, अगले पांच साल तक जो विंडोज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे पीसीज के लिए उनको 9x फैमिली में रखा जाता है. ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट इन 9x फैमिली. उसके बाद और आए, 98 आया, वो मैं आपको बताऊंगा और कौन कौन से थे. तो 9x फैमिली आप याद रखना है, इस पे पहला था 95 इज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन द 9x फैमिली. ठीक है, अब इसमें ज्यादा चीजें आपको ये नहीं याद रखनी है, बस इतना याद रखो कि 9x फैमिली जो होती है ये 95 से लेकर 2000 तक के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे उनको कहा जाता है. अब इनको क्यों कहा जाता है 95 से लेकर 2000 वालों को 9x, क्योंकि ये जो थे इनमें सब में कर्नल विंडोज 95 का ही था. मतलब जो मेन कंपोनेंट था ना 95 में
कर्नल कंपोनेंट अगर आपको याद होगा, वही फिर 98 में भी था, वही फिर 2000 में भी था, ये चीजें रिपीट हुई थी। फिर उन्होंने उसके बाद चेंज किया, फिर उसके बाद आया विंडोज एनटी करके, उसी का कर्नल फिर आगे चल रहा है। आज जो आप देख रहे हो ना विंडोज 11, उसमें विंडोज एनटी का कर्नल है जो 2000 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक 16 बिट 32 बिट दोनों सिस्टम्स पे चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब यहाँ पे एक चीज आप याद रख सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो यूजली कहते हैं हम कि या ये तो या ये 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है या ये 32 बिट का। आज आप देखते हो कि ये 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बेसिकली ये जितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है उतनी ज्यादा ज्यादा मेमोरी को वो सपोर्ट कर सकता है। जो 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैक्सिमम मैक्सिमम वो 4 GB तक की रैम को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन 64 बिट वाला जो होता है, 64 बिट वाला वो थाउजेंड्स ऑफ जीबीज की भी रैम को, आई वुड से नॉट थाउजेंड्स, आई थिंक बिलियंस ऑफ जीबीज की रैम को वो 64 बिट वाला जो है वो सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज है कि ये सपोर्ट करता था FAT32 फाइल सिस्टम को। ये FAT32 फाइल सिस्टम क्या होता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रखोगे, पहली बात कि 95 वाज द फर्स्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पे स्टार्ट बटन, टास्क बार, विंडोज एक्सप्लोरर और स्टार्ट मेन्यू को इंट्रोड्यूस कराया गया था। दूसरी बात, ये 9X फैमिली का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये दो चीजें हैं जिसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आया वो था विंडोज 98। विंडोज 98 जो है, विंडोज 98 में क्या किया गया कि इसमें प्लग एंड प्ले फीचर को इंट्रोड्यूस कराया गया। प्लग एंड प्ले फीचर जो है ये आपका यूएसबी जो होते हैं ना, यूएसबी केबल होती है। मतलब आजकल आप क्या करते हो, आप माउस को कनेक्ट करना है तो आप यूएसबी कनेक्ट करोगे और उसको यूज करोगे। ऐसे ही यूएसबी के थ्रू आप बहुत सारे कंपोनेंट्स को, पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। इस मतलब आपको कनेक्ट करना है और आप फिर उसको यूज कर सकते हो, उसको कहते हैं प्लग एंड प्ले। ये जो है यूएसबी सपोर्ट या डीवीडी सपोर्ट या ये प्लग एंड प्ले फीचर जो है ये 98 में पहली बार लाया गया। और दूसरी बात की इंटीग्रेशन ऑफ वेब ब्राउजर विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब 98 में वेब ब्राउजर को, ये जो था वेब ब्राउजर ये किसके साथ दिया जाता था, ये दिया जाता था ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही। अगर आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट का एक वेब ब्राउजर आता है जिसका नाम होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जब आप पहली बार लाते हो ना आपका कंप्यूटर सिस्टम, तो आजकल तो इसका आता है, उसको कहते हैं एज, एज नाम का ब्राउजर। पहले होता था इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो जब आप नया कंप्यूटर भी लाते थे उसमें विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, उसके साथ ही आता था आपका क्या, वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी। तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर जो है ये 98 में इसके साथ ही दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे विंडोज 98, ये 98 में आया इसीलिए तो इसको 98 कहा जाता है। तब तक यही होता था लेकिन उसके बाद फिर चेंज हुआ। हम आजकल देखते हैं विंडोज 10 जो है, विंडोज 10 को लॉन्च किया गया 2015 में, विंडोज 11 को लॉन्च किया गया 2021 में, ठीक है। लेकिन उससे पहले 7 था या ये 95 98, ये ईयर के हिसाब से ही आते थे, ठीक है। अब विंडोज 98 जो था, यहाँ पे और एक चीज है कि दिस वॉज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूज विंडोज ड्राइवर मॉडल। या बस इतना याद रखो, मे बी अगर पूछेंगे आपको ये जानने की जरूरत है कि विंडोज ड्राइवर मॉडल क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद आया था विंडोज NT। विंडोज NT जो है, विंडोज NT 93 में असल में लाया गया था, लेकिन फिर इसका आई वुड से इसका मेजर वर्जन था वो NT 3.1 था जो 2000 के आसपास आया था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो इसके बारे में याद रखनी है कि ये फर्स्ट, इट वाज द फर्स्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन ए हाइब्रिड कर्नल। अब इंपॉर्टेंट बात है जो आपने पिछली बार देखा था, हमने देखा था कि कर्नल अलग अलग टाइप के होते हैं। देयर इज मोनोलिथिक कर्नल, देयर इज ए मोनोलिथिक कर्नल, और उसके बाद वी हैव हाइब्रिड कर्नल ऑल्सो। हाइब्रिड कर्नल उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब हाइब्रिड कर्नल जो है, हाइब्रिड कर्नल पहली बार विंडोज में, विंडोज NT में लाया गया, ठीक। अब यहाँ पे विंडोज NT जो है ये एक प्रोसेसर इंडिपेंडेंट मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ज्यादातर ये सर्वर्स के लिए मतलब था। दिस वॉज नॉट फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स स्पेसिफिकली, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि दिस वॉज द फर्स्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैड अ हाइब्रिड कर्नल। उसके बाद वी हैड ME, विंडोज ME। ME कहते हैं मिलीनियम एडिशन को, मिलीनियम कहते हैं 1000 साल को, मतलब 2001 से लेके, जब 1001 से लेके 2000 तक 1 मिलीनियम था। फिर 2000 में
थर्ड मिलेनियम स्टार्ट हुआ। अब ये चलेगा कब तक? ये मिलेनियम चलेगा 1000 साल तक, मतलब जब तक आपका 3000 नहीं आएगा, 2099 तक ये वाला मिलेनियम चलेगा, ठीक है। अब ये जो एडिशन था ये 2000 में लाया गया, ये 2000 में लाया गया, एंड दिस वाज द थर्ड एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ 9x फैमिली। मैं आपको जो बता रहा था कि 9x फैमिली जो थी वो बेसिकली ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम थे, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे जो, ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे जो 95 के बाद आए, 95, 98 और ME। ये तीन ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो 9x फैमिली में आते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं? क्योंकि ये तीनों जो है इनमें जो कर्नल है वो 95, ठीक है, ठीक है, ओके। विंडोज NT CUI बेस्ड था? नो नो नो, आई डोंट थिंक इट वॉज ए CUI बेस्ड, इट वॉज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। CUI बेस्ड पहले होते थे, दे यूज टू बी बैक देन। अब उसके बाद ऑलमोस्ट जितने भी विंडोज, विंडोज इन इटसेल्फ इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड, ठीक है। तो विंडोज का जो भी होगा ना वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ही होगा, चाहे वो 95 हो या उसके बाद जितने भी आएंगे, सारे के सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है, ठीक है। एंड उसके बाद वी हैड विंडोज 2000। विंडोज 2000 आप याद रखोगे, विंडोज 2000 जो है ये ज्यादातर बिजनेसेस के लिए था, दिस वॉज नॉट फॉर जो आपके पीसीज होते हैं पर्सनल यूज के लिए, ज्यादातर ये नहीं थे। एंड इट्स ऑल्सो यूज, ये ज्यादातर इसमें बहुत सारे वर्जन थे बेसिकली। देर वॉज अ वर्जन कॉल्ड प्रोफेशनल जो प्रोफेशनल्स के लिए था, देर वॉज सर्वर एडिशन जो सर्वर्स के लिए था, इस तरह से बड़े बड़े डेटा सेंटर या डेटा सर्वर्स के लिए अलग अलग इसके वर्जन आते थे 2000 के। एंड इट वॉज द सक्सेसर ऑफ विंडोज NT 4.0, विंडोज NT, फिर उसके बाद आया विंडोज NT 2, 3, 4, 4.0 के बाद फिर उसको रिप्लेस किया विंडोज 2000 ने। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद आया विंडोज XP। विंडोज XP जो था ये बहुत चला था क्योंकि कंप्यूटर्स का बूम 2000 के बाद हुआ, उसके बाद कंप्यूटर्स जो है वो ज्यादा यूज होने लगे। तो ये जो था ये एक 64 बिट ऑपरेट 64 बिट प्रोसेसर्स पे चलने वाला, ये एक 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था, एंड ये काफी पॉपुलर था ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम था विंडोज XP। एंड विंडोज XP जो था ये विंडोज ME का सक्सेसर माना जाता है। एंड इसमें ज्यादा याद रखने वाली जरूरत नहीं है, बस 2005 आप याद सकते हो कि इसमें ये लाया गया था। उसके बाद आया फिर विंडोज विस्टा। विंडोज विस्टा जो है ये 2006 में आया, 2006 में आया, और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स आई थी पिछले वाले से, ठीक है। इसमें भी ज्यादा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी है, बट मैं फिर क्यों ये पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि विंडोज विस्टा नाम की कोई चीज होती थी, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, क्योंकि कल को पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए विंडोज XP, विंडोज 2000, विस्टा, ME, NT, 1995, ये पता होना चाहिए। उसके बाद 2006 में तो आया आपका विस्टा, उसके बाद 2007 में नहीं आया, 8 में नहीं आया, बल्कि 2009 में आया, जिसका नाम रखा गया विंडोज 7, जिसका नाम रखा गया विंडोज 7। ये 2009 में लॉन्च किया गया। ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि विंडोज 7 2007 में नहीं आया, ये बल्कि आया कब, 2009 के आता, ठीक है। अब इसमें जो है इसमें काफी सारी इम्प्रूवमेंट्स लाई गई थी। इसमें पहली इम्प्रूवमेंट थी लाइक टच स्क्रीन या स्पीच रिकॉग्निशन या हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन जैसे जो फीचर्स है वो इसमें पहली बार लाए गए थे। एंड ये सपोर्ट करता था प्लेबैक ऑफ मीडिया इन MP4, मतलब आप पीछे म्यूजिक सुन सकते थे या वीडियो देख सकते थे, और आप सामने कोई काम कर सकते थे अपने ब्राउजर पे या कुछ, ठीक है। दिस वॉज एंड बायोमेट्रिक फ्रेमवर्क भी इसमें इंक्लूडेड था, मतलब आप अपना बायोमेट्रिक मतलब फिंगरप्रिंट से अपने सिस्टम को लॉक अनलॉक कर सकते थे। ये पहली बार 2007 या सॉरी 2007 नहीं, विंडोज 7 में आया। उसके बाद 2008, 2000 नॉट 2008, विंडोज 8, विंडोज 8 जो है वो 2012 में आया, विंडोज 8 जो है 2012 में आया। एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये है कि स्टार्ट बटन इसमें रिमूव किया गया। स्टार्ट बटन जो विंडोज 95 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको रिमूव किया गया कब, विंडोज 8 में। फिर उसको वापस लाया गया विंडोज 10 के अंदर, विंडोज 10 में उसको वापस लाया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इसमें आप याद रखोगे कि विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं था, उसको रिमूव किया गया था। एंड इट वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2012, यस। उसके बाद विंडोज 15, विंडोज 10 आता है जो 2015 में आता है। विंडोज 10 जो है वो 2015 में आता है, और इसमें इंपॉर्टेंट बात है याद रखोगे वो ये है कि कोर्टाना वॉइस एक्टिवेटेड पर्सनल असिस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। कोर्टाना क्या है? जैसे आपका गूगल असिस्टेंट होता है ना, जिसको आप वॉइस कमांड देते हो, उसको कहते हैं पर्सनल असिस्टेंट या वर्चुअल असिस्टेंट जिसको कहते हैं, या एप्पल में आता है ना सीरी, जिसको कहते हैं हे सीरी,
ये गाना चला दो या कुछ ऐसा कहते हो। तो ऐसे ही इसमें भी आता है, विंडोज 10 में भी आता है कोर्टाना करके, आप उस पर क्लिक करके आप उसको कमांड दे सकते हो, वॉइस कमांड, हे कोर्टाना ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो वो करेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का एक वर्चुअल असिस्टेंट है, याद रखना कोर्टाना, CORTANA, कोर्टाना इज ए वर्चुअल असिस्टेंट या पर्सनल असिस्टेंट या वॉइस असिस्टेंट, इसको कुछ भी कहो, जो कि पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया विंडोज 10 के अंदर। तो ये 2015 की बात है। ठीक है, तो इसमें आप इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखोगे, 7 जो है वो 2009 में आया, 8 जो है वो 2012 में आया, और जो ये है 15 में आया आपका विंडोज 10। और इसमें इंपॉर्टेंट बातें जो है, स्टार्ट बटन को रिमूव किया गया 2008 में, विंडोज 10 में कोर्टाना वॉइस असिस्टेंट को पहली बार लाया गया। ठीक है, अब इसमें उसके बाद आपका आता है विंडोज 11, ये रीसेंट है, विंडोज 11 इज वन ऑफ द रीसेंट रिलीजेस ऑफ दिस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब विंडोज 11 के बारे में देयर इज नॉट मच जो मुझे लगता है कि आपको पढ़ने की जरूरत है, लेकिन अगर पेपर वाला पूछ सकता है, जो पेपर सेट करेगा वो इसमें से क्वेश्चन डाल सकता है, एंड क्योंकि ये रीसेंट टॉपिक है तो इसमें से आपको पता होना चाहिए। अब विंडोज 10 जो है, विंडोज 10 को माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि हम इसको रिटायर करेंगे, 2025 के बाद विंडोज 10 रिटायर होगा। इसका रिटायर होने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर का अब उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसके बाद कोई अपडेट्स नहीं आएंगे। 2025 तक विंडोज 10 को वो अपडेट्स देते रहेंगे, उसमें बग्स होंगे उनको रिमूव करेंगे या उसको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन 2025 के बाद वो विंडोज 10 अब जिसमें चल रहा होगा उसमें चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा, लेकिन फिर कोई अपडेट उसमें नहीं आएगा, उसी को कहते हैं सॉफ्टवेयर विल बी रिटायर्ड। ठीक है, उसके बाद विंडोज 11 लॉन्च किया गया, जो 2021 अक्टूबर में लॉन्च किया गया, ये डेट आप याद रखना, अक्टूबर 2021, एंड एग्जैक्ट डेट जो थी वो थी 5 अक्टूबर 2021, इस दिन इसको अवेलेबल किया गया पब्लिक में पहली बार, एंड दिस वॉज विंडोज 11 जो अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया, ये आप याद रखना। एंड इम्पॉर्टेंट और एक बात ये है कि दिस इज बेस्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT कर्नल, जो मैं आपको बता रहा था NT जो था, NT कर्नल पे ही ये भी बेस्ड है, लाइक विंडोज 10 इससे पहले जो भी थे वो NT कर्नल पे ही बेस्ड थे, उससे पहले जो 9X फैमिली होती थी वो 95 के कर्नल पे बेस्ड थे। ठीक है, अब यहाँ पे पहली बात, विंडोज 11 को किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया ऑब्वियसली। इसको किस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया गया, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद होगा मैंने बताया था कि कोई भी सॉफ्टवेयर होगा उसके लिए कोई लैंग्वेज होती है जिसमें लिखा जाता है। अब माइक्रोसॉफ्ट जो ये विंडोज 11 है ना, इसमें इसको बनाने के लिए इसमें पता है इसमें होंगी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड, इसको बनाने के लिए मिलियंस ऑफ मिलियन लाइंस का कोड लिखा गया होगा, आई से 1 बिलियन भी हो सकते हैं, बहुत सारी लाइंस इसमें लिखी गई हैं, तभी जाके ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका काम करता है। अब इसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की गई, इसके लिए कहीं पे सी भी है थोड़ी बहुत, कुछ जगह पे C++ भी है, C#, सी इसको कहते हैं C#, C# या असेंबली लैंग्वेज, ये चारों लैंग्वेज इसमें यूज की गई है, एंड ये क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको रिलीज टू मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इसको बनाने रिलीज किया गया, मतलब इसको स्टार्ट किया उन्होंने जून 24 में, लेकिन डेट आपको याद रखनी है कि जनरल अवेलेबिलिटी इसकी 21 से स्टार्ट हुई, अक्टूबर 5, 2021 से, इससे मतलब ये जनरल पब्लिक में लोग इसको अपडेट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स पे। एंड ये किसके लिए है, ये पर्सनल कंप्यूटर्स और टैबलेट्स के लिए है। ठीक है, एंड कर्नल टाइप ये मैंने आपको बताया, ये एक हाइब्रिड कर्नल है जो विंडोज NT कर्नल है, इसलिए क्योंकि ये विंडोज NT फैमिली में ही बिलोंग करता है। एंड इसमें जो यूजर इंटरफेस है वो आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलता है, एंड इससे पहले इट प्रिसीडेड बाय, मतलब ये किसके बाद आया, ये विंडोज 10 के बाद आया, जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, विंडोज 11 जो है इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं ये पूछा जा सकता है, ये आप क्या, पहली बात इसमें आपको मैक लाइक इंटरफेस मिलता है, मतलब जो आपके एप्पल कंप्यूटर्स में जैसा इंटरफेस है ना वैसा ही इंटरफेस आपको यहाँ मिलेगा। अगर आप देखोगे, लेट मी गो बैक, वेट, यस, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ये जो है नीचे आइकन्स बीच में आ रहे हैं, दीज आइकन्स आर कमिंग इन बिटवीन, और ये जो है ये बेसिकली किस में ऐसा होता था, ये मैक, अगर आपने किसी ने एप्पल का कंप्यूटर यूज किया होगा ना तो उसमें ये आइकन्स ये बीच में आते हैं, ऐसे ही बीच में आते हैं, ना कि ऐसे लेफ्ट साइड में। अगर आप विंडोज 10, विंडोज 8 या उससे पहले 7 जो भी आपने यूज किया होगा उसमें आपको पता होगा कि ये आइकन जो है ये इधर लेफ्ट साइड में होते थे, लेकिन इनको बीच में लाया गया। और बाकी चीजें भी लाइक फोल्डर किस तरह का दिखता है, यू कैन सी फोल्डर इसमें किस तरह से होते हैं,
अलग अलग टाइप, यू कैन सी इस तरह के फोल्डर्स होते हैं, ये काफी डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू जो विंडोज 10 में होता था। तो ये जो आपका ये इंटरफेस है आपके सामने, जो आपको ये दिख रहा है, ये ज्यादा लगता है लाइक जो आपका एप्पल का जो मैक ओएस होता है उसके तरह होता है। एंड इट फीचर्स ए क्लीन डिजाइन विद राउंडेड कॉर्नर्स। इसमें आपको देख पा रहे होंगे कि राउंडेड आपको कॉर्नर दिख रहे हैं। यूजुअली जब आप इस तरह की विंडोज आपको सामने आती है ना, तो वो ऐसे स्क्वायर होती थी, उनमें एजेस होती थी। यहाँ पे राउंडेड आपको कॉर्नर्स दिख रहे होंगे, या इसके अलावा आइकन्स भी आप देख पा रहे होंगे, ये ज्यादा राउंडेड आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, इन कंपैरिजन टू जो इससे पहले होता था। इम्पॉर्टेंट बात है कि जो स्टार्ट मेन्यू है उसको बीच में लाया गया, तो आइकॉनिक स्टार्ट मेन्यू ऑल्सो मूव टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। पहले ये जो स्टार्ट मेन्यू था, स्टार्ट मेन्यू आपका जो मैं आपको नीचे दिखा रहा था, दिस, ये जो आपका स्टार्ट मेन्यू है जिसमें ये आप देख पा रहे होंगे ये आइकन्स आ रहे हैं, ये कहाँ पे होता था? ये होता था आपका यहाँ पे लेफ्ट साइड में। लेकिन इस स्टार्ट मेन्यू को, ये स्टार्ट मेन्यू जो है आपका, ये बीच में आ गया है। दिस इज योर स्टार्ट मेन्यू और ये आपका बीच में आ गया है, ना कि लेफ्ट साइड में। ये एक नया फीचर है किसमें? आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 के अंदर, ठीक है। अब और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें एंड्रॉयड ऐप इंटीग्रेशन भी है। मतलब अब आप अपने माइक्रोसॉफ्ट 11 के जिस ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे होगा उस पे आप एंड्रॉयड ऐप्स भी चला सकते हो। ऐसे आप अपने, अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 है या विंडोज 8 है, विंडोज 10 है, तो उस पे एंड्रॉयड ऐप्स नहीं चलती है। लेकिन अब विंडोज 11 पे आप एंड्रॉयड ऐप्स भी चला सकते हो। मतलब कोई एंड्रॉयड की ऐप है, मतलब एंड्रॉयड के लिए बनाई हुई ऐप है, वो आप यहाँ पे भी चला सकते हो, ठीक है, ये आप याद रखना। एंड इसके अलावा विंडोज 11 जो है, आप वर्चुअल डेस्कटॉप सेट कर सकते हो मैक में। जैसे वर्चुअल डेस्कटॉप आप ऐसे देखो, यू कैन सी राइट हियर, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ये स्टार्ट आइकन के इस साइड जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डेस्कटॉप मान आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो और एक डेस्कटॉप खुल गया, मतलब यहाँ पे मैं और ही चीजें ओपन कर पाऊंगा। ऐसे ही मैं अलग अलग डेस्कटॉप्स इसमें सेलेक्ट कर सकता हूँ, इनको वर्चुअल डेस्कटॉप कहते हैं। तो ऐसा लगेगा, फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ डेस्कटॉप 1 भी है, डेस्कटॉप 2 भी है, और न्यू डेस्कटॉप, और एक डेस्कटॉप भी मैं बना सकता हूँ। तो इससे क्या होता है कि मैं अलग अलग वर्चुअल डेस्कटॉप पे काम कर सकता हूँ। मतलब ऐसा लगेगा जैसे ये तीन अलग अलग कंप्यूटर है जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, एंड आई कैन स्विच बिटवीन देम, ठीक है, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो इसमें आप याद रखोगे, कल को वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यू फीचर एडेड टू विंडोज 11। तो पहली बात, इट हैज मोर राउंडेड कॉर्नर्स जो आपको मिलेगा। इसमें मैक के जैसा इंटरफेस आपको मिलता है, इसमें स्टार्ट मेन्यू को बीच में लाया गया है, इसमें एंड्रॉयड ऐप इंटीग्रेशन है, यू कैन नाउ, लेकिन वो सारी एंड्रॉयड ऐप्स नहीं चलती है, ये कुछ होंगी जो आपको विंडोज के प्ले स्टोर, विंडोज का जो स्टोर है, विंडोज स्टोर जिसको कहते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या अमेजन के स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अमेजन का एक ऐप स्टोर है, अमेजन शॉपिंग वेबसाइट नहीं, उनका और एक ऐप स्टोर है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसके अलावा आप वर्चुअल डेस्कटॉप भी इसमें सेट कर सकते हो जैसे मैक में होता था। तो ये फीचर्स है जो आप याद रखोगे, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मूव करते हैं डेस्कटॉप की तरफ। अब डेस्कटॉप, एक तो डेस्कटॉप कहते हैं किसको, एक होता है लैपटॉप, दूसरा होता है डेस्कटॉप। एक डेस्कटॉप कहते हैं एक ऐसे पर्सनल कंप्यूटर को जो आप डेस्क पे रखते हो, जो आप डेस्क पे रखते हो, जो आपने देखे होंगे आपकी लैब्स, कंप्यूटर लैब्स में होती है, यहाँ जहाँ पे भी आपने उनको देखा होगा। लेकिन डेस्कटॉप कहते हैं हम इसको भी, डेस्कटॉप हम कहते हैं इसको भी। किसको कहते हैं? जब आप कंप्यूटर अपना ऑन करते हो ना, तो सबसे पहली जो स्क्रीन आपके सामने आती है उसको भी डेस्कटॉप ही कहते हैं। इस तरह कुछ होता है, वहां पे आपका होता है दिस पीसी, वहां पे होता है आपका रिसाइकल बिन, और बहुत सारी फाइल जो आपने रखी होती हैं, और एक वॉलपेपर होता है, इसको भी डेस्कटॉप ही कहते हैं। इसके बारे में आप जानोगे तो डेस्कटॉप क्या है? व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर, द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपियर्स विच विल बी ऑन द डिस्प्ले इज नोन एज द डेस्कटॉप। तो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो जो पहली स्क्रीन आती है आपके सामने उसको भी डेस्कटॉप कहते हैं। अब बैकग्राउंड में जो इमेज होती है उसको कहते हैं वॉलपेपर, आसान बात है। एंड एक छोटा सा एरो भी होता है जो ब्लिंक कर रहा होता है, उसको कहते हैं कर्सर। इफ यू कैन सी हेयर, यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे होंगे ना, ये जो एरो है इसको कर्सर कहते हैं। आई होप ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगी। अब इसमें डेस्कटॉप में बहुत सारी चीजें होती है। वी हैव समथिंग कॉल्ड एज स्टार्ट मेन्यू, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज टास्क बार, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज आइकन्स एंड गैजेट्स। अब ये क्या है? देखो, पहली बात है कि यहाँ पे ये जो आप सारे ये छोटे छोटे आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये इनको आइकन्स कहते हैं। तो आइकन क्या होता है? आइकन इज बेसिकली एक छोटी सी इमेज दैट रिप्रेजेंट्स कोई फाइल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एक वीडियो फाइल है, या दैट रिप्रेजेंट्स अ फोल्डर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फोल्डर को ये रिप्रेजेंट ये वाला आइकन करता है, और दैट रिप्रेजेंट सम प्रोग्राम, किसी सॉफ्टवेयर को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ टॉर ब्राउजर का ये आइकन है। तो आइकन एक छोटी इमेज होती है दैट रिप्रेजेंट सम फाइल, डॉक्यूमेंट और ए प्रोग्राम, ठीक है। और नीचे जो है आप देख रहे हो ना, जहाँ पे ये एप्स आती हैं,
एप्स मतलब जहाँ पे ये आइकन्स आते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के, उसको कहा जाता है टास्क बार। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसको कहते हैं हम टास्क बार। ठीक है, टास्क बार क्या है? टास्क बार इज दिस थिंग दैट इज एट द बॉटम, बॉटम पे जो पैनल होती है, एक पैनल होती है जिसके ऊपर क्या होती है, जिसके ऊपर एप्स के आइकन्स होते हैं, सॉफ्टवेयर के आइकन्स होते हैं, उसको कहते हैं टास्क। और ये जो आप यहाँ देख रहे हो ना साइड में, ये जो आपका विंडोज का लोगो है बिल्कुल बॉटम में, विंडोज का ये लोगो है व्हाइट, चार में दिख रही है, इसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं स्टार्ट बटन, इसको कहते हैं स्टार्ट बटन। इस पे अगर आप क्लिक करोगे, अब इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू खुलता है, स्टार्ट मेन्यू खुलता है। स्टार्ट मेन्यू क्या होता है? स्टार्ट मेन्यू होता है, लेट मी शो यू स्टार्ट मेन्यू क्या होता है। स्टार्ट मेन्यू होता है के वाले में मिला है, मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 11 है, इसमें ये टास्क बार बीच में है और ये स्टार्ट बटन है। जब मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो ये आपके सामने आप देख पा रहे ना एक और विंडो खुल गई, इसको कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। अब इस स्टार्ट मेन्यू में आता है सारी एप्स, जितनी भी मेरे कंप्यूटर के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर है ना वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, इसको कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, ये मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या क्या होता है। फॉर द मीन टाइम आप याद रखो कि डेस्कटॉप में होता है आपका स्टार्ट मेन्यू या स्टार्ट बटन, फिर टास्क बार होता है, नीचे आइकन होते हैं, गैजेट्स होते हैं। ठीक है, पहली आपको बताई, मैंने आपको बताई वो है आइकन। आइकन क्या है? आइकन इज अ स्मॉल इमेज, एक छोटी इमेज होती है, एक छोटा ग्राफिकल एलिमेंट होता है जो इंटरैक्टिव होता है। इंटरैक्टिव मतलब जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो, यू कैन क्लिक ऑन दैट, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। ठीक है, दैट शोज ऑन द डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप पे होता है। ठीक है, और आइकन जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं फाइल्स को, फोल्डर्स को या फिर प्रोग्राम को। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ। अब यूजर्स जो है, हम यूजर मतलब हम जो है जो इसको यूज कर रहे हैं, वो ओपन कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी फाइल को बाय डबल क्लिकिंग ऑन द आइकन। मतलब अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक आई, ये जो है ये एक टेक्स्ट फाइल का आइकन है, एक फाइल का आइकन है, अगर मैं इसे दो बार क्लिक करूंगा ना तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये फाइल जो है ये ओपन हो गई, ये फाइल जो है ये ओपन हो गई। ठीक है, ये फाइल जो है ये ओपन हो गई, दिस फाइल गॉट ओपन। ठीक है, तो ये आइकन पे इंपॉर्टेंट बात है कि आइकन पे अगर दो बार क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी या वो प्रोग्राम रन होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या होता है कि मैं किसी, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी के यहाँ पे ये जो है एक आइकन है, इस आइकन पे मैं डबल क्लिक कर सकता हूँ, उसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ। यू कैन सी मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ, और मैं इसको ड्रॉप कर सकता हूँ। ड्रॉप मतलब मैं इसको कहीं भी इन फोल्डर्स में से कहीं भी ड्रॉप कर सकता हूँ किसी के अंदर, या उसको दूसरी इन फोल्डर्स में कहीं पे ड्रॉप कर सकता हूँ, इसको कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप मीन्स किसी भी आइकन को ड्रैग करना, डबल क्लिक करके ड्रैग करना और फिर किसी दूसरी जगह पे ड्रॉप कर देना। दिस इज ऑल्सो समथिंग जो आप कर सकते हो किसके साथ? आइकन के साथ। मतलब अगर मुझे ये फाइल जो है, अगर मुझे ये इंग्लिश लिटरेचर वाले फोल्डर में डालनी होगी, मैं ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दूंगा। यहाँ फ्रंट लाइन या जूनियर प्रोग्रामर किसी भी फोल्डर में मुझे ड्रॉप करनी, मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट थिंग, ये इसमें हमने आपको बताया नीचे जो होता है ये टास्क बार होता है, ये आइकन्स होते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई। अब विंडोज 7 का जो डेस्कटॉप होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? पहली चीज जो होती है कि आपको डेस्कटॉप पे आइकन्स दिखते हैं, ये आपको समझ आया। दूसरी बात है आपको एक वॉलपेपर होता है। तीसरी बात, नीचे जो ये पैनल है, इसको इसको मैं पैनल कहूंगे, ये टास्क बार होता है, ये टास्क बार होता है। यहाँ पे टास्क बार के ऊपर होते हैं प्रोग्राम बटन्स। प्रोग्राम बटन्स मतलब इसके ऊपर होते हैं आइकन्स, किन के? प्रोग्राम्स के, मतलब सॉफ्टवेयर के, जो आप सॉफ्टवेयर आप रख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल क्रोम आप बार बार यूज करते हो, उसका आप यहाँ पिन कर दोगे, उसको कहते हैं पिन करना, क्रोम का आइकन पिन कर दोगे, मतलब वो हमेशा यहीं पर रहेगा। यहाँ पे ये जो बटन है इसको स्टार्ट बटन कहते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आपके सामने यहाँ खुलेगा स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट बटन पे क्लिक करके स्टार्ट मेन्यू खुलेगा, उस स्टार्ट मेन्यू में सारे प्रोग्राम्स होंगे, यानी सारे सॉफ्टवेयर होंगे जिनको आप यूज कर सकते हो। डेस्कटॉप गैजेट होता है इस तरह की, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सीपीयू यूजेज बताता है, या क्लॉक होगी, या इस तरह का कुछ गैजेट होगा जो आपके सामने डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे राइट बॉटम राइट में होता है यहाँ नोटिफिकेशन आइकन्स। नोटिफिकेशन आइकन्स यहाँ पे आपको एक तो दिखेगा बैटरी कितनी है, स्पीकर कितने कितनी आवाज रखी है, वॉल्यूम रखी है, यहाँ क्लॉक कैलेंडर, वो सारी चीजें यहाँ आपको दिखी जाएंगी। ठीक है, इसको नोटिफिकेशन आइकन यहाँ पे आप कह सकते हो, इसको कहते हैं एक्शन सेंटर भी या सिस्टम प्ले भी। अब विंडोज 10 जो है, विंडोज 10 थोड़ा डिफरेंट था। विंडोज 10 में आइकन तो ठीक है, स्टार्ट यहाँ पे स्टार्ट बटन भी था, लेकिन यहाँ पे और एक चीज लाई गई, वो यहाँ पे सर्च बटन लाया गया, सर्च बार लाया गया। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, मतलब अगर आप चाहते हो कि कोई एक फाइल है जो आप सर्च करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप कर्सर को लेके यहाँ पे सर्च कर सकते हो। और यहाँ पे एक गोल आप देख रहे हो नीचे, ये देख रहे हो छोटा सा, यहाँ पे नीचे एक आइकन है छोटा सा,
राउंड सर्कल व्हाइट कलर का, ये जो है ये कोर्टाना का सिंबल है जो मैं आपको बता रहा था। कोर्टाना क्या है, एक वॉइस असिस्टेंट है, वर्चुअल असिस्टेंट है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कोर्टाना एक्टिवेट हो जाएगा, और जब कोर्टाना एक्टिवेट हो जाएगा फिर मैं इसको वॉइस कमांड दे सकता हूँ। मैं इसको बता सकता हूँ, हे कोर्टाना डू दिस, ठीक है। बाकी यहाँ पे और एक ये जो था, एक तो ये सर्च बार और ये कोर्टाना, ये दोनों किस में नहीं थे, ये विंडोज 7 में नहीं थे। और मैंने बताया विंडोज 8 में आपका ये खत्म हो गया था, विंडोज 8 में स्टार्ट मेन्यू नहीं था, उसमें उसको रिमूव किया गया था। ये विंडोज 10 की बात हो रही है अभी, ये विंडोज 10 है आपके सामने। बाकी ये सेम है, टास्क बार में आपको शॉर्टकट दिखते हैं डिफरेंट एप्स के। उसके बाद ये जो यहाँ बाकी जहाँ पे क्लॉक एटसेट्रा दिखते हैं, इसको सिस्टम ट्रे कहते हैं, सिस्टम ट्रे एंड एक्शन सेंटर ये इसका नाम है, ठीक है। तो ये चीजें आप बाद में इससे फिर से पढ़ोगे अगर आपको चीजें याद नहीं भी रही। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आइकन होते हैं जो डेस्कटॉप के ऊपर होता है। एक होता है दिस पीसी या कंप्यूटर, कंप्यूटर आइकन होता है, ये हर एक पे होता है। तो ये जो है ये बेसिकली फाइल एक्सप्लोरर का आइकन होता है, मतलब जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने खुल जाएगा आपके सिस्टम में कौन कौन सी वॉल्यूम्स है, ड्राइव्स है, वो ना आप इससे एक्सेस कर सकते हो सारी फाइल्स को, जहाँ जो भी कंप्यूटर के अंदर फाइल है वो आप वहीं से ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइकन, जिसमें डॉक्यूमेंट फोल्डर होता है, हार्ड डिस्क के पार्टीशंस आपको दिखेंगे, ये कि हार्ड डिस्क में कितने पार्टीशंस है, या कोई रिमूवेबल डिस्क तो नहीं है, यू कैन सी इट हेयर। यहाँ पे आप देख सकते हो, जब मैं यहाँ दिस पीसी है ना ये, तो आपके सामने ये खुलेगा, ये मुझे बताता है कि इसमें सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। तो हार्ड डिस्क की सारी पार्टीशन दिखेंगी, लेफ्ट साइड में मुझे दिखेंगे इंपॉर्टेंट लाइक डाउनलोड डॉक दिखेंगी, ये दिखेंगी, ये दिखेंगी। इसके अलावा मुझे ये भी दिखता है कि कहीं कोई रिमूवेबल डिस्क तो नहीं है, मतलब कोई यूएसबी एटसेट्रा कोई तो नहीं है कनेक्टेड, वो भी यहाँ दिख जाएंगी, ठीक है। एंड देयर इज रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन इस तरह का होता है, एंड इम्पॉर्टेंट है याद रखोगे रिसाइकल बिन जो है, ये आप आंसर सकते हो, दिस इज द फोल्डर जिसमें सारे डिलीटेड फाइल्स जाती हैं, ठीक है। जब आप कोई फाइल डिलीट करते हो तो वो रिसाइकल बिन में जाती है, अगर आपने गलत इसकी होगी आप जाके फिर इसको रेस्टोर भी कर सकते हो। उसके बाद वी हैव समथिंग कॉल्ड एज द नेटवर्क, नेटवर्क टैब का भी एक होता है, जिस पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपका कंप्यूटर किस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, मतलब इंटरनेट के साथ, वाईफाई के साथ, जो भी होगा वो उसमें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर नाम का एक फोल्डर भी होता है जिसमें बाय डिफॉल्ट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें जाएंगे, जरूरी नहीं है कि आप हर डॉक्यूमेंट इसी फोल्डर में रखोगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स इसी फोल्डर में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है टास्क बार, टास्क बार क्या है, अब टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार, एक लंबा हॉरिजॉन्टल बार होता है, बार होता है जो नीचे होता है एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप, ठीक है, इसको कहते हैं टास्क बार। तो अब यहाँ पे एक चीज है कि जो टास्क बार है इसके ऊपर होते हैं बटन्स, इसके ऊपर होते हैं बटन्स जो मैं आपको दिखाए, इस पे होते हैं डिफरेंट बटन्स जो अभी मैंने दिखाए आपको, डिफरेंट प्रोग्राम्स के बटन्स होते हैं, मतलब क्रोम का होगा आइकन, मतलब डिफरेंट प्रोग्राम्स के आइकन्स होते हैं जो इस पे होते हैं, और जिन पे क्लिक करके आप, ठीक है, उनको ओपन कर सकते हो इसमें। तो टास्क बार में कौन कौन सी चीज आती है, इसमें स्टार्ट बटन होता है, कोर्टाना होती है, सर्च होता है, और आइकन पे है पिंड प्रोग्राम्स के, पिंड प्रोग्राम्स मतलब वो वाले प्रोग्राम, वो वाले सॉफ्टवेयर जो मैंने पिन किए होंगे टास्क बार के ऊपर, और यहाँ नोटिफिकेशन और एरिया होता है जहाँ पे टाइम एंड डेट एटसेट्रा मुझे दिखता है, ठीक है। अब टास्क बार में स्टार्ट बटन होता है जो मैंने आपको बताया, इसमें आपका सर्च बार होता है जो यहाँ होता है, इसमें आपका क्विक एक्सेस होता है जो ये नीचे है, क्विक एक्सेस मतलब ये जो आप प्रोग्राम पिन करते हैं ना यहाँ पे, जो आइकन आप रखते हो क्रोम के एटसेट्रा, तो वो क्विक एक्सेस में आएंगे, आप जल्दी से उनको एक्सेस कर। तो दिस इज बेसिकली द स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू ये होता है, देखो विंडोज 10 में जब आप यहाँ पे ये जो स्टार्ट बटन है ना नीचे, इसको कहते हैं स्टार्ट बटन, ये जो स्टार्ट यहाँ पे बटन है इसको स्टार्ट बटन कहते हैं, इस पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने ये एक विंडो खुल जाती है, इसको कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। इसमें आप देख सकते हो कि सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, ये आप नीचे लिस्ट देख सकते हो, ये मेन्यू आता है जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट मेन्यू क्या है, दिस इज द मेन्यू, दिस मेन्यू इज द मेन गेटवे ऑफ आवर कंप्यूटर प्रोग्राम, तो जितने भी आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स होंगे उनको आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ से, इवन यहाँ पे आप सेटिंग्स को भी एक्सेस कर सकते हो या बाकी फोल्डर्स को भी यहीं से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसमें इवन मोस्ट रिसेंटली ओपन प्रोग्राम्स भी होते हैं, जो ज्यादा रिसेंटली या मोस्ट यूज प्रोग्राम्स होंगे वो टॉप पे आएंगे, ठीक है, इस तरह की चीज। अब स्टार्ट मेन्यू में क्या होता है, एक तो ऑल प्रोग्राम्स होता है, ये जो सारे प्रोग्राम्स है ना, ये ए से लेके नीचे की तरफ, दीज आर ऑल प्रोग्राम्स, जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं यानी सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपने इंस्टॉल किए होंगे अपने कंप्यूटर पे, वो आप यहाँ देख सकते हो। पिक्चर्स यू कैन सी, यहाँ पे ये आइकन है, दिस इज पिक्चर्स आइकन, आप देख सकते हो अपनी इमेज जो होंगी कंप्यूटर में। डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो, ये जो यहाँ आइकन है, दिस इज डॉक्यूमेंट्स आइकन।
सेटिंग्स, यहाँ पे सेटिंग्स का भी आइकन है, इसके अलावा पावर का आइकन भी होता है। यहाँ पे पावर पे क्लिक करके आप या तो शट डाउन कर सकते हो, रिस्टार्ट कर सकते हो, या फिर स्लीप या हाइबरनेट भी कर सकते हो। तो ये आप याद रखेंगे कि आपके स्टार्ट मेन्यू में आपका ऑल प्रोग्राम्स होता है, पिक्चर, डॉक्यूमेंट, सेटिंग्स और पावर होता है। अब विंडो के स्ट्रक्चर पे आते हैं। विंडो क्या है? विंडो इज बेसिकली अ रेक्टेंगुलर एरिया विच प्रोवाइड्स एन एनवायरमेंट टू रन मेनी प्रोग्राम्स। तो यू कैन सी के राइट हियर यू कैन सी एक विंडो है, ये आपके सामने एक विंडो है। इस विंडो में बहुत सारे फोल्डर्स के आइकन्स है, इसमें यहाँ से बहुत सारे फोल्डर्स आ रहे हैं, इसमें यू कैन सी डिफरेंट थिंग्स इन दिस। तो बेसिकली जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो यूजर इंटरफेस है, उसका जो इंटरफेस है, उसका बेसिक एलिमेंट विंडो होता है। विंडो में ही आपको सारी चीजें दिखती ठीक है। तो आई कैन से कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने एक विंडो खुली हुई है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई ओपन समथिंग एल्स, लाइक यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये और एक विंडो खुल गई, या मैं यहाँ से यू कैन सी दो तीन विंडोज पैरेलली, यू कैन सी पीछे एक विंडो है, इसके सामने ये एक विंडो है, तो दो विंडोज ये एक साथ आप देख रहे हो ठीक है। तो विंडो क्या है? विंडो इज अ रेक्टेंगुलर एरिया जो कि एक ग्राफिकल एलिमेंट है या बेसिक एलिमेंट है जो आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। अब इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। लाइक विंडो में एक पीस ऊपर आता है जिसपे नाम लिखा होता है विंडो का, उसको कहते हैं टाइटल बार। तो याद रखना है द हॉरिजॉन्टल बार एट द टॉप ऑफ द विंडो, एट द टॉप ऑफ द विंडो जिसमें नाम लिखा होता है किसका, आपकी विंडो का, उसको कहते हैं टाइटल बार। तो ये टॉप पे लिखा है कि ये डॉक्यूमेंट्स विंडो है, इसका टाइटल टाइटल बार में ऊपर लिखा है। अब यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे में भी एक छोटी सी यहाँ पे दो तीन आइकन आते हैं, ये दो तीन आइकन जो आते हैं इनको कहते हैं टूल बार, इसको कहते हैं टूल बार। तो टास्क बार नीचे होता है जिसपे पिंड प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन टूल बार जो होता है ये विंडो के टॉप पे होता है जहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हो ठीक है। उसके बाद होता है समथिंग कॉल, जिसको कहते हैं हम, ये जो आप देख रहे हो इसको कहते हैं यहाँ पे ये टैब होते हैं, ये टैब्स होते हैं, इसको हम टैब भी कह सकते हैं या इसको आप मेन्यू बार भी कह सकते हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेन्यू बार। तो ऊपर टाइटल बार है, फिर मेन्यू बार है, और ये जो है इसको रिबन कहते हैं। तो मेन्यू बार में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक मेन्यू मेन्यू बार पे मैंने क्लिक किया होम पे, तो इस रिबन में ये ऑप्शंस आ गए। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ व्यू पे मेन्यू बार में से, तो रिबन पे और दूसरे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो याद रखना है क्या क्या होता है। तो टाइटल बार होता है, मेन्यू बार होता है जिसमें ऑप्शंस आते हैं, होम, शेयर, व्यू, मैनेज एक्सेट्रा करके, और मेन्यू बार के साथ ही नीचे होता है रिबन, रिबन में ऑप्शंस होते हैं हर एक मेन्यू के लिए ठीक है, मेन्यू आइटम के लिए। उसके बाद एड्रेस बार होता है, बीच में एक छोटा होता है जो आपको बताता है कि आप कहाँ पे हो अभी, मतलब आप कौन से फोल्डर में हो, पूरी डायरेक्टरी का बताता है। लाइक ये बताता है कि लाइब्रेरीज फोल्डर के अंदर डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है जिसके अंदर अभी आप हो। लेफ्ट साइड में आता है जिसको हम कहते हैं नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन में आपको डिफरेंट दिखते हैं जिनमें आप जा सकते हो, ये जो ये आप देख रहे हो जिससे नेविगेशन पेन, और यहाँ पे सर्च बॉक्स होता है, और साथ में यहाँ पे नीचे स्टेटस बार होता है जो आपको बताता है कि इस फाइल्स या कितने आइटम्स हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है, पहली है टाइटल बार। टाइटल बार टॉप पे होता है किसी भी विंडो की या किसी भी बॉक्स के जिस पर टाइटल होता है ठीक है। और टाइटल बार जो होता है, टाइटल बार में क्लोज बटन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, द क्रॉस एट द टॉप राइट कॉर्नर जिससे क्लोज कर सकते हो आप विंडो को, उसको कहते हैं क्लोज क्लोज बटन। साथ में मैक्सिमाइज बटन होता है जिससे साइज बड़ा होता है विंडो का, और मिनिमाइज बटन होता है जिससे साइज छोटा होता है। तो मैक्सिमम मिनिमाइज हो गया, और साइड में स्क्रॉल बार आता है। स्क्रॉल बार आप देख सकते हो यहाँ पे है स्क्रॉल बार, यू कैन सी ये जो है ना, ये स्क्रॉल बार है, इससे मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। तो ये इस तरफ भी होता है और इस तरफ भी होता है ठीक है, अगर ज्यादा फाइल्स होंगी तो इस तरफ भी आएगा, जिसको कहते हैं स्क्रॉल बार ठीक है। स्क्रॉल बार से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। स्क्रॉल बार जो है ये लेफ्ट या राइट साइड में आएगा या बॉटम में आएगा विंडो के। एड अगर विंडो में ज्यादा फाइल्स हैं जो एक ही विंडो में नहीं आ रही है, तो आप इससे ऊपर नीचे कर सकते हो या इससे लेफ्ट राइट आप कर सकते हो ठीक है। तो दो तरह के स्क्रॉल बार होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो नीचे होता है, मतलब इससे आप लेफ्ट और राइट की तरफ जा सकते हो। स्क्रॉल बार जो वर्टिकल होगा उससे आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अब जो मेन्यू बार है, मेन्यू बार जो ये टाइटल बार के नीचे है ना, मेन्यू बार जिसमें आपको फाइल, होम, शेयर, व्यू, मैनेज जैसे मेन्यूज देखते हैं, उसमें क्या क्या होता है? फाइल मेन्यू होता है। फाइल मेन्यू में आपको ऑप्शंस आएंगे। फाइल मेन्यू पे जब आप क्लिक करोगे ना, फिर नीचे यहाँ पे ये रिबन जो होगा, इस रिबन में आएंगे आपको ऑप्शंस लाइक न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट। मतलब फाइल मेन्यू में आपको फाइल के रिलेटेड, मतलब चाहिए फाइल, चाहिए आपको ओपन करनी है कोई फाइल, क्लोज करनी है कोई फाइल, सेव करनी है, तो इस तरह के ऑप्शन आपको दिखते हैं। एडिट मेन्यू में आपको कट, पेस्ट, कॉपी, अंडू, क्लियर जैसे ऑप्शन आपको दिखते हैं।
व्यू मेन्यू में आपको नॉर्मल यू कैन सी कौन से सिलेक्टेड है, होम सिलेक्टेड है, तो इसमें आपको देख रहे होंगे लाइक क्लिपबोर्ड, ऑर्गेनाइज, न्यू करके आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। इंसर्ट मेन्यू में आपको हेडर फुटर जैसे दिखते होंगे, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम डेप्थ में पढ़ेंगे पावर पॉइंट एंड सॉरी ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें ये चीज आती है, हेल्प आती है, हेल्प मेन्यू आता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है दैट डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स जो है ये एक छोटी विंडो होती है, ये एक छोटी विंडो होती है जो वार्निंग या कभी आपके सामने आती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी है क्या, आपने है क्या, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या ऑफिस में आपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दिया उसको सेव किए बिना, तो आपके सामने आता है कुछ ऐसा सामने आएगा, डू यू वॉन्ट टू क्लोज दिस सॉफ्टवेयर, या यहाँ पे इस तरह का कुछ डू यू वॉन्ट टू, तो ये सामने एक छोटी विंडो आ जाती है जिसपे कुछ लिखा होता है और जिसपे बटन होता है यूजली यस या नो करके, इसको कहते हैं डायलॉग बॉक्स। तो इसमें डायलॉग बॉक्स में व्हेन वी परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन आवर डॉक्यूमेंट एंड क्लिक ऑन द क्लोज विदाउट सेविंग द डॉक्यूमेंट, अगर हम डॉक्यूमेंट को सेव किए बिना डॉक्यूमेंट को क्लोजेंगे तो डायलॉग बॉक्स आपके जाएगा जाएगा और डायलॉग बॉक्स आप में मैसेज होगा और साथ में प्रोग्राम प्रोग्राम इसमें होता है आपका नोटपैड, क्योंकि टेक्स्ट एडिटर याद रखना है नोटपैड इज अ डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर, डॉट टीएक्सटी फाइल जो है वो होती है उनको ओपन कर सकते हो। ये कहाँ पे होता है, ये आपको विंडोज 7 में मिलेगा ऑल प्रोग्राम्स एक्सेसरीज में, ठीक है। उसके बाद वर्ड पैड नाम का और एक आता है, वर्ड पैड में भी आप फाइल्स टेक्स्ट फाइल्स को ही ओपन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, लेकिन ये जो है इनमें डॉट टी एक्स टी एक्सटेंशन की फाइल्स को ओपन नहीं करते बल्कि डॉट आर टी एफ यानी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। मतलब ये क्या होता है, वर्ड पैड आपका लगभग लगभग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही होता है, इनमें डिफरेंसेस है, लेकिन ये भी आप याद रखोगे ये भी एक टेक्स्ट एडिटर ही है, लेकिन इसमें फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो अच्छे से, लाइक आप उसमें इमेजेस भी डाल सकते हो या फॉन्ट एटसेट्रा वो चीज चेंज कर सकते हो। नोट पैड में आप टेक्स्ट के साथ खेल सकते हो, उसमें आप फॉर्मेटिंग उतनी नहीं कर सकते, बस सिंपल टेक्स्ट होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद पेंट होता है, पेंट में आप ओपन कर सकते हो इमेज फाइल्स, उनको फिर एडिट कर सकते हो। कैलकुलेटर ऑब्वियसली कैलकुलेटर आपको पता है, मीडिया प्लेयर उसमें आप फाइल्स को ओपन कर सकते हो मीडिया फाइल्स को, एंड गेम्स का पता ही है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो आर टी एफ है इसकी फुल फॉर्म होती है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये फाइल जो होती है ये बेसिकली टेक्स्ट फाइल्स ही होती है लेकिन जिनमें थोड़ा अच्छी फॉर्मेटिंग होगी और जिनमें इमेजेस भी हो सकती है, तो वो किस में ओपन होती है, वो वर्ड पैड प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में होती है, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट जो इसमें से है वो है एमएस विंडोज की शॉर्टकट कीज, इनको आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट जो मैं बताऊंगा इनको आपको याद करना है। फर्स्ट इज डिलीट, आपको पता है डिलीट बैकस्पेस, ये मैं आपको बताऊंगा अच्छे से डिलीट और बैकस्पेस क्या होते हैं। डिलीट और बैकस्पेस से जब आप लिख रहे होते हो तो डिलीटेड बैकस्पेस की हेल्प से यू कैन डिलीट द टेक्स्ट। अब फर्क ये है कि डिलीट से लेफ्ट वर्ड, डिलीट से आप राइट वर्ड कर सकते हो डिलीट, और बैकस्पेस से लेफ्ट वर्ड, मतलब अगर यहाँ पे एक कर्सर है तो अगर मैं दबाऊंगा बैकस्पेस तो पहले आर डिलीट होगा फिर ओ एस इस तरह से, तो लेफ्ट की तरफ डिलीट होगा, लेकिन डिलीट से राइट वर्ड की तरफ होता है, मतलब अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो डिलीट जो होगा वो पहले सी होगा फिर यू होगा, मतलब राइट वर्ड की तरफ होगा। आई होप ये चीज आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो मैं आगे फिर से बताऊंगा। तो पहला शॉर्टकट की है कंट्रोल ए, जो कि सेलेक्ट ऑल के लिए होता है, मतलब अगर डॉक्यूमेंट्स है लाइक यू कैन सी राइट हियर, यहाँ इतने सारे फोल्डर्स है, मैं चाहता हूँ ये सारे सेलेक्ट हो, तो मैं कंट्रोल ए दबाऊंगा, यू कैन सी ये सारे सेलेक्ट हो गए, तो कंट्रोल ए से सारे सेलेक्ट होते हैं। सेकंड इज F3, F3 से आप फाइल को सर्च कर सकते हो, यू कैन सी राइट हियर, अभी सर्च कहाँ पे है, सर्च ये है, या तो मुझे यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करना है तो मैं फिर सर्च कर सकता हूँ कोई फाइल या फोल्डर, लेकिन मैं अगर डायरेक्टली F3 दबाऊंगा यू कैन सी ऑटोमेटिकली ये इसमें चला गया एंड वहां पे यू कैन सर्च थिंग्स ऑन। तो इंपॉर्टेंट है दैट F3 से आप फाइल को सर्च कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं ऑल्ट प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस एंटर से प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो, लाइक अगर यहाँ पे रिसर्च पेपर नाम का फोल्डर है और अगर मैं ऑल्ट प्लस एंटर दबाता हूँ, तो जैसे ही मैं ऑल्ट प्लस एंटर दबाता हूँ तो प्रॉपर्टीज इसका इसकी आपके सामने आ गई है, ठीक है। ऑल्ट प्लस एंटर से प्रॉपर्टीज आएंगी, ये आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट जो होंगी ये आप याद करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ऑल्ट प्लस F4, ऑल्ट प्लस F4 से क्लोज होता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है, एंड इंपॉर्टेंट ये है कि आपने देखा होगा कि रिसेंटली जितने भी ऑनलाइन क्लासेस होती थी ना, तो अक्सर बच्चे ना टीचर्स को इससे सताते थे, मतलब टीचर्स को यूजुअली उतनी पता नहीं थी इसके बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में हाउ दे वर्क,
तो वो अगर टीचर को कुछ प्रॉब्लम होती तो वो स्टूडेंट जो होते थे, जो थोड़े होते हैं नॉटी स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहते थे कि सर ऑल्ट प्लस F4 दबाओ ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही सर ऑल्ट प्लस F4 दबाते थे तो अगर वो क्रोम पे पढ़ा रहे थे, अगर वो जूम पे पढ़ा रहे थे या किसी और पे पढ़ा रहे थे, तो वो प्रोग्राम क्लोज होता था और क्लास डिस्कनेक्ट होती थी। तो ऑल्ट प्लस F4 से जो है इससे प्रोग्राम क्लोज होता है। अगर मैं अभी ऑल्ट प्लस F4 दबाऊंगा तो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद है ऑल्ट प्लस स्पेस बार। ऑल्ट प्लस स्पेस बार से इससे एक शॉर्टकट मेन्यू टॉप पे ओपन हो जाता है। ये एक मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें आप मिनिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो, न्यू टैब, इस तरह की चीजें, छोटी छोटी कुछ ऑप्शंस आते हैं इसमें जो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है F2। तो F3 से सर्च होता है, F2 से रीनेम होता है, F5 से रिफ्रेश होती है। ये आप याद रखोगे, F2, F3, F3 मैं बताऊंगा, वो मैं शायद इसमें ऐड कर दूंगा क्योंकि F के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, फंक्शन कीज के ऊपर विंडोज में आता है कि विंडोज के अंदर कौन सी फंक्शन की का क्या काम होता है, ठीक है, एक्सप्लोर में। उसके बाद एक कंट्रोल प्लस राइट एरो। कंट्रोल प्लस राइट एरो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कंट्रोल प्लस राइट एरो से इंसर्शन पॉइंट बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड में पहुंच जाता है। मतलब अगर मैं अभी यहाँ पे हूँ, यू कैन सी, अगर मैं अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हूँ डूइंग पे, अभी अगर मेरा कर्सर है तो अगर मैं कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाऊंगा तो यहाँ ये कर्सर जो है वो यहाँ ग्रेट पे आ जाएगा। और अगर मैं अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हूँ डूइंग के बीच में, तो अगर मैं ये दबाऊंगा तो वो आर के सामने आ जाएगा। तो मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट वर्ड होता है कंट्रोल प्लस राइट एरो से। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड, प्रीवियस वर्ड के बिगिनिंग में आ जाता है इससे, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट से आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ दबाऊंगा ना कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, तो यू कैन सी यहाँ पे ये मेरे सामने क्या आ गया। तो यहाँ पे मैं या तो लाइक आई कैन लॉक स्क्रीन, आई कैन स्विच द यूजर, मैं यहाँ पे टास्क मैनेजर को ओपन कर सकता हूँ। ये ज्यादातर ये कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट पता है कब यूज होता है? दिस इज मोस्टली यूज जब आपका सिस्टम जब हैंग होता है, जब भी आप कोई प्रोग्राम ओपन करते हो जो हैवी होता है, जो आपके कंप्यूटर को हैंग कर देता है, तो उस टाइम पे आप याद रखना ये शॉर्टकट की आपको बहुत काम आएगी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। जब आप ये दबाओगे ना तो आपके सामने ये आएगा। यहाँ पे आप टास्क मैनेजर पे ओपन करोगे तो टास्क मैनेजर जो है आपके सामने आ जाएगा। टास्क मैनेजर में वो सारे फाइल्स, सारे प्रोसेसेस होते हैं जो कि अभी चल रही हैं। लाइक अभी गूगल क्रोम चल रहा है, यू कैन सी अभी एडोबे एक्रोबैट भी मेरा खुला हुआ है, क्रोम भी खुला हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खुला हुआ है। तो मैं अगर किसी पे भी क्लिक करूंगा ना इनमें से, तो जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे एंड टास्क कर सकता हूँ, उसको मैं बंद कर सकता हूँ। तो अगर कोई ऐसा प्रोग्राम होगा जिससे मेरा कंप्यूटर हैक हो गया, मैं उसको इसे बंद कर सकता हूँ। तो याद रखने वाली बात है कि अगर मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया और मैं चाहता हूँ कि कोई प्रोग्राम है जो उसको हैंग कर रहा है उसको मैं बंद करूँ, तो मैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट दबाता हूँ, उससे मैं टास्क मैनेजर को ओपन कर सकता हूँ और टास्क मैनेजर में मैं उस प्रोग्राम को क्लोज कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने आपको बोला देयर इज दिस समथिंग कॉल्ड एज F5। F5 से रिफ्रेश होती है करंट विंडो एंड कंट्रोल प्लस एस्केप से डिस्प्ले होता है स्टार्ट मेन्यू। मतलब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस एस्केप दबाऊंगा ना तो यू कैन सी नीचे से स्टार्ट मेन्यू सामने आ गई, ठीक है। ये चीज आई होप आपको समझ आ गई। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट कीज, लाइक विंडोज की से स्टार्ट मेन्यू आता है। लाइक विंडो की जो मैंने आपको बताई जिसपे विंडो आइकन होता है कीबोर्ड पे आपको दिखता है, उस पर क्लिक करोगे तो स्टार्ट मेन्यू आ तरह से आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा विंडो की पता है कौन सी आइकन होता है, इस तरह का आइकन जिस पे होता है, ये जो नीचे देख रहे हो। अगर अगर विंडो की प्लस ए दबाओगे तो एक्शन सेंटर ओपन होता है। ये आसान है क्योंकि ए फॉर एक्शन सेंटर, सी विंडोज की प्लस सी दबाओगे तो कोर्टाना ओपन होगा, सी से कोर्टाना, डी से डेस्कटॉप होता है तो डेस्कटॉप डिस्प्ले होगा, ऐसे ई से एक्सप्लोरर आता है तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन होगा, विंडोज की प्लस जी जी से गेम बार आता है, गेम बार ओपन होगा, विंडोज प्लस एच इससे शेयर चाम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो पहली कुछ है। और विंडोज प्लस एम से मिनिमाइज होती है विंडोज, ये आप हो गए। विंडोज प्लस आर से रन डायलॉग बॉक्स, विंडोज प्लस एस से सर्च, ये आप आसानी से याद कर, बिल्कुल बेसिक है। और ये मुझे लगता है कि ये इसमें ज्यादा याद रखने वाली या ट्रिक की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये आसानी से आप देख सकते हो कि ए से एंटर सी से कोट आना, ये आपको याद हो जाए। देन देयर इज विंडो प्लस नंबर। विंडो प्लस नंबर क्या है? फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी अभी नीचे कितने हैं, एक तो है यहाँ ये एक ये इक्लिप्स नाम का एक प्रोग्राम है, फिर जुपिटर नाम का एक प्रोग्राम है, डेव सी प्लस प्लस नाम का प्रोग्राम है, ऐसे ही वीडियो एडिटर है, फिर उसके बाद फाइल एक्सप्लोरर है, फिर VLC, मोजिला फायरफॉक्स, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं टास्क बार के ऊपर। तो अगर मैं चाहता हूँ,
अगर मैं चाहता हूं कि पहला कौन सा है यहाँ पे, ये इक्लिप्स है, थर्ड नंबर पे ये डेव सी प्लस प्लस है, तो अगर मैं ये डेव सी प्लस प्लस प्रोग्राम को ओपन करना चाहता हूँ तो मैं विंडोज प्लस थ्री दबाऊंगा। तो जैसे मैं विंडोज प्लस थ्री दबाऊंगा ना, तो ये ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीसरे नंबर पे टास्क बार पे यही है। तो कहने का मतलब है कि विंडोज और कोई नंबर दबाने से वो वाला ओपन होगा, वो वाला प्रोग्राम ओपन होगा जो टास्क बार पे उस नंबर पे होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे पहले नंबर पे फाइल एक्सप्लोरर है, तो अगर मैं दबाऊंगा विंडोज प्लस वन तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन होगा। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर पे कौन सा है? दिस वीएलसी मीडिया प्लेयर। तो अगर मैं विंडोज प्लस 9 दबाऊंगा तो विंडोज, तो ये वीएलसी प्लेयर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये लास्ट की दो स्लाइड्स हैं जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट इज स्टैंड बाई मोड। स्टैंड बाई मोड एक तरह से आप मान सकते हो कि आपका कंप्यूटर एक लो पावर मोड में चला जाता है। ये नहीं पूछा जाता यूजली, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो है स्लीप मोड और हाइबरनेट मोड। आपने देखा होगा कि जब आप ये अपने कंप्यूटर को ऑफ करना चाहते हो, लाइक अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, तो अगर मैं यहाँ पे यहाँ क्लिक कर, ठीक है, यू कैन सी हियर, इस पावर बटन पे क्लिक करने से मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं: स्लीप, हाइबरनेट, शटडाउन और रीस्टार्ट। रीस्टार्ट तो आपको पता है, रीस्टार्ट आपका हो गया वार्म बूटिंग, ठीक है, मतलब ये फिर से ऑफ होगा फिर ऑन होगा, शटडाउन से पूरा बंद होगा। लेकिन स्लीप और हाइबरनेट नाम के दो ऑप्शंस आते हैं, ये पावर ऑप्शंस में आते हैं। ठीक है, तो स्लीप और हाइबरनेट में क्या डिफरेंस है? स्लीप में क्या होता है कि देखो, आपको एक चीज पता होगी कि अगर मैं अपने कंप्यूटर को ऑफ करता हूं तो जो भी फाइल्स हैं, या जो भी फाइल्स अभी ओपन हैं, या जो भी प्रोग्राम्स अभी ओपन हैं, वो सारे डिलीट हो जाएंगे रैम से, वो सारे डिलीट हो जाएंगे रैम से। ये आपको पता है, क्योंकि रैम जो होती है वो नॉन वोलाटाइल, उसमें कंप्यूटर को कंप्यूटर को कंप्यूटर को तो रैम के अंदर जितनी भी होंगी वो चीजें होंगी वो सारी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर अब अगर आप चाहते हो कि मतलब मुझे अभी कुछ काम नहीं है अपने कंप्यूटर पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसे अगर मैं सारे इनको ओपन करके ही रखूंगा, ऐसे ही कंप्यूटर को ऑन छोड़ दूंगा, तो खामखा बैटरी मतलब हो जाएगी वेस्ट। तो मैं चाहता हूँ कि अभी जो मैंने प्रोग्राम्स ओपन करके रखे हैं वो भी डिलीट ना हो, वो भी डिलीट ना हो, लेकिन मेरा कंप्यूटर भी ऑफ ना हो, या मैं कम से कम मेरा कंप्यूटर अभी बैटरी खर्च करे, तो उसके लिए स्लीप मोड होता है। तो स्लीप मोड क्या होता है? बेसिकली कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स या फाइल जो आपने ओपन करके रखी है उनको रैम में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? रैम में। और आपको पता है कि रैम में अगर आप चाहते हो कि कोई डेटा रहे तो रैम को पावर होनी चाहिए। तो कंप्यूटर क्या करता है कि रैम को थोड़ी बहुत पावर देता है, थोड़ी बहुत पावर देता है, जिससे ये डेटा इसमें सेव रहे, जिसमें ये डेटा सेव रहे, इसको मतलब डिलीट होने से बचाता है। ठीक है, और बाकी कंप्यूटर जो है बाकी बाकी चीजों के ऊपर मतलब बहुत कम बैटरी उससे खर्च होती है। तो हाइबरनेट मोड में क्या होता है? हाइबरनेट मोड में जो भी ओपन फाइल्स हैं उनको कहाँ स्टोर करता है? हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है और कंप्यूटर को ऑफ किया जाता है। आप कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती। तो फर्क क्या है स्लीप और हाइबरनेट में? हाइबरनेट में कोई एनर्जी नहीं होती है यूज, क्योंकि जो भी ओपन फाइल्स हैं उनको हार्ड डिस्क में रखा जाता है सेव, और कंप्यूटर को ऑफ किया जाता है। तो फिर जब आप कंप्यूटर फिर से ऑन करोगे ना, तो यहाँ से उनको वापस लाया जाएगा, तो क्योंकि हार्ड डिस्क में वो परमानेंटली सेव होंगे। अब स्लीप मोड में क्या होता है? उसमें थोड़ी बहुत एनर्जी यूज होती है, क्योंकि फाइल्स को कहाँ? रैम में ही रखा जाता है, और रैम में अगर आप चाहते हो कि फाइल्स रहे तो उसको पावर देने की जरूरत पड़ती है। तो इन दोनों से जो क्या कहते हैं इसको, शटडाउन मोड कैसे डिफरेंट है? शटडाउन मोड में यूजली क्या होता है कि शटडाउन मोड हाइबरनेट मोड की तरह ही होता है, लेकिन शटडाउन में क्या होता है कि शटडाउन में रेस्टोर नहीं होता है। रेस्टोर मतलब जो आपने फाइल्स ओपन करके रखी थी ना, जब आप शटडाउन करोगे तो वो फिर आप मतलब रिज्यूम नहीं कर पाओगे, वो आपको फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। लेकिन हाइबरनेट में उनकी स्टेट जो होती है वो सेव रहती है, सेव रहती है इन द सेंस यू कैन रिज्यूम, जहां से आपने खत्म किया था काम वहां से आप रिज्यूम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उनको सेव रखा जाता है, उनकी स्टेट को सेव रखा जाता है हार्ड डिस्क में, हाइबरनेट मोड में। क्लिपबोर्ड क्या है? क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी स्टोरेज है, जो कि जो कट करते हो डेटा आप, या कॉपी करते हो ना डेटा, वो क्लिपबोर्ड पर रहता है। तो क्लिपबोर्ड इज अ टेम्परेरी मेमोरी जो कि स्टोर करता है आपकी कट या कॉपी डेटा को। देन देर इज विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? इट इज अ फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज कॉल्ड एज विंडोज एक्सप्लोरर। देन देर इज कोर्टाना। कोर्टाना क्या है? याद रखना है, कोर्टाना इज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, जो कि यूज करता है बिंग सर्च इंजन को। तो याद रखना, बिंग बिंग नाम का एक सर्च इंजन है, जैसे गूगल है ना, गूगल गूगल इज अ सर्च इंजन, जो कि किसका है? गूगल का है। ठीक है, ऐसे ही एक सर्च इंजन होता है जिसका नाम है बिंग, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, ठीक है, ओके। फरहाना इज आस्किंग कैन दिस बी कॉल्ड एज बूटिंग? क्या
क्या इसको बूटिंग कह सकती है, किसको एग्जैक्टली, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, स्लीप एंड हेवन? नो नो नो, दे वोंट बी कंसिडर्ड इन बूटिंग, बिकॉज बूटिंग इज द प्रोसेस जहां पे मे बी हाइबरनेट कैन बी पुट इन द कैटेगरी ऑफ बूटिंग आई थिंक. नो आई डोंट थिंक दोनों में से कोई आएगा, क्योंकि स्लीप तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि स्लीप में क्या होता है कि स्लीप में इसी में रहती हैं चीजें, रैम में ही. इसमें रैम, इसमें बेसिकली बूटिंग में यू रिक्वायर द ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड होना चाहिए. बायोस को पहले जो है बायोस चिप को चेक किया जाता है, वो बताता है कि कहाँ पे. इसमें आई डोंट थिंक उस प्रोसेस की जरूरत पड़ती है. आई डोंट थिंक, नो, स्लीप एंड हाइबरनेट दे वोंट बी कंसिडर्ड इन बूटिंग, क्योंकि इसमें बूटिंग में यूजुअली नॉर्मल बूटिंग में क्या होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, लाइक पहले बायोस चिप में देखा जाता है, वो बताता है कहाँ है एड्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम का, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क के रैम में लोड किया जाता है, तो वो प्रोसेस जो है इनमें नहीं होती है. ठीक है, अब कोर्टाना विंडोज 10 में पहली बार लाया गया था. ठीक है, उसके बाद आइकन क्या होता है, ये मैंने आपको बताया. आइकन एक छोटा सा ग्राफिकल एलिमेंट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी फाइल, जो कि इंटरैक्टिव होती है. यू कैन क्लिक ऑन दैट, यू कैन डू ड्रैग एंड ड्रॉप, इस तरह की चीजें आप उससे कर सकते हो. तो विद दिस वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट विंडोज. तो अब मैं अगर इसको फिर से रिवाइज करूं और आपको बताऊं कि कौन सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज विंडोज के बारे में यू शुड नो कि ये प्रोप्राइटरी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. सेकंड थिंग, ये कब आया ये आप याद रखोगे. इसमें मुझे लगता है आपको ज्यादा याद रखने वाली चीजें हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो 95 98, क्योंकि ये पहले पूछी जाती थी, अब नहीं पूछी जाती. अब इसमें याद रखोगे आप जो चीज, वो ये है कि विंडोज 8 में स्टार्ट बार नहीं था, कोर्टाना को 10 में लाया गया. विंडोज 10 जो है इसमें, विंडोज 11 में आप याद रखोगे, विंडोज 11 में कौन से नए फीचर्स है, जैसे मैंने बताया कि जो आपका स्टार्ट मेन्यू है वो बीच में आ गया, आपका एंड्रॉयड ऐप इंटीग्रेशन है, आप इसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा आपको इंटरफेस मिलता है, राउंडेड कॉर्नर्स हैं आइकन्स के, या इसमें वर्चुअल डेस्कटॉप होते हैं, ये आप याद रखो, ये पूछा जा सकता है. डेस्कटॉप में आपको आइकन पता होना चाहिए क्या होता है, इसमें आपको पता होना चाहिए ड्रैग एंड ड्रॉप किसको कहते हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए टास्क बार क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, सर्च बार क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, वो है कि टास्क बार के अंदर स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करके स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है, स्टार्ट मेन्यू में सारे फाइल्स होती है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. और इसके अलावा यू शुड नो थिंग्स अबाउट विंडो में आपको पता होना चाहिए कि क्लोज बटन क्या होता है, क्रॉस ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, मिनिमाइज मैक्सिमाइज से क्या होता है, ये आपको पता. स्क्रॉल बार आपको पता होना चाहिए, स्क्रॉल बार क्या होता है, ये एक बार होता है इधर ऑन द लेफ्ट और राइट, या ये नीचे होगा जिससे आप ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट विंडो में नेविगेट कर सकते हो. ठीक है, यू कैन नेविगेट वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली यूजिंग दिस. ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वो आपको याद रखने वाली चीज जो है इसमें, वो है फाइल्स के बारे में, फाइल्स के एक्सटेंशन क्या होता है, और फाइल सिस्टम्स की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, NTFS, FAT, VAT, ये क्या होता है. ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बस इंपॉर्टेंट है. उसके बाद विंडोज की शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आते हैं क्वेश्चन, F3 से क्या होता है, F4 से क्या होता है, F2 से क्या होता है, F5 से क्या होता है, ये आपको होना चाहिए. इसके अलावा Windows+A, विंडोज होगी, ये आपको पता हो. एंड टर्म्स रिलेटेड इसमें स्लीप और हाइबरनेट का डिफरेंस पता होना चाहिए, क्लिपबोर्ड क्या होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप ये मेरे हिसाब से इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट यस, क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड फ्रॉम दिस. ठीक है.